अगर आप खरीदने जा रहे हैं नई हीरो सुपर स्प्लेंडर 2023 में, तो आप अपने लिए एक बेहतर कलर की बाइक चुन पाएं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको नई हीरो सुपर स्प्लेंडर के सभी कलर एक साथ दिखाने वाला हूं। आपके सामने जो बाइक खड़ी है ये है नई हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, वो भी रेड कलर में। इससे पहले जो मैंने आपको बाइक दिखाई थी वो ग्रे कलर की बाइक दिखाई थी, ये वाली, लेकिन ये है नया रेड कलर जो कि आपके सामने है, आप यहां पर देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी बाइकों की पूरा डिटेल की वीडियो हमारे चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पर उपलब्ध है, आप वहां पर पूरा डिटेल से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कलर के बारे में बताऊंगा। तो आप यहां पर देखेंगे पूरा ये रेड कलर की बाइक है, जिसमें आपको ग्रे कलर के स्टिकर मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक्सटेक लिखा हुआ मिलेगा, सुपर स्प्लेंडर 3D से है, सिल्वर कलर से है, और ये सभी बाइकें E20 पेट्रोल से आती हैं, मतलब E20 पेट्रोल से चलेंगी, और इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है, इसलिए ये एक्सटेक है। और फ्रंट से आप देखेंगे तो इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है, और मैं वाइड एंगल करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये है नई हीरो सुपर स्प्लेंडर का रेड कलर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका ग्रैब रेल भी आपको सिल्वर, मतलब कि ग्रे कलर में मिल रहा है, और यहाँ पर जो धागे से इसकी सिलाई हुई है इसकी सीट की, वो वाइट है। तो इस पर तो फिलहाल सीट कवर लग जाएगा, लेकिन आप स्टिकर देख सकते हैं और इसका कलर देख सकते हैं। अब बारी आती है ब्लैक कलर एक्सटेक की, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का ये ब्लैक कलर है, जिसमें आपको ग्रे कलर के स्टिकर मिलेंगे और साथ में वाइट कलर के स्टिकर मिलेंगे, और ग्रे कलर का आपको इसका जो आपको ग्रैब रेल आपको इसमें ग्रे कलर का मिलेगा, और सीट काउल ब्लैक कलर के हैं। तो ये है ब्लैक कलर और ये है रेड कलर। अब इनमें से कौन सा अच्छा लगा आप चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं। और ये है ग्रे कलर की नई हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, सब में सेम टेक्नोलॉजी रहेगी, यहाँ पर कोई अंतर नहीं रहेगा। इनको आप ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों में ही आप खरीद सकते हैं, और ये सभी बाइकें E20 पेट्रोल से चलेंगी, और इनमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिल जाएगा। ये ग्रे कलर की बाइक है, और अभी मैं आपको पीछे से और साइड से दिखा रहा हूँ, और बाद में मैं आपको आगे से भी दिखाऊँगा। अब चलते हैं नए हीरो सुपर स्प्लेंडर के नए स्टिकर की तरफ। ये है, ये जैसे आपने देखा होगा एक ऑल ब्लैक आती है, पूरी ब्लैक रहेगी, कोई स्टिकर नहीं रहेगा, उसमें आपको ये ब्लू कलर का स्टिकर मिलेगा, जिसमें आपको ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको हीरो 3D में लिखा हुआ मिलेगा, जबकि अगर आप इनमें देखेंगे तो हीरो छोटे से लिखा हुआ, वो भी स्टिकर से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको 3D से लिखा हुआ मिलेगा, और ये पूरी ब्लैक है। इसका ग्रैब रेल और सीट काउल सारी चीज़ें ब्लैक हैं, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे टैंक पर, तो यहाँ पर आपको स्टिकर मिल रहा है सिल्वर और ब्लू कलर का स्टिकर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो परिवर्तन है वो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल रहा है, सुविधाएं सारी वही मिल रही हैं, जैसे कि ये आपको रियल टाइम माइलेज बताएगी, और ये आपको घड़ी भी मिलेगी, इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं जो एक आम कस्टमर को चाहिए। और इसके अलावा स्विच अगर आप देखेंगे तो स्विच में कोई अंतर नहीं है, I3S जैसे यहाँ पर पास की बटन मिलती है, ये हाई बीम लो बीम की इंडिकेटर की और हॉर्न की, यहाँ पर आपको सेल्फ की, और यहाँ पर आपको ये I3S की लाइट बटन मिल जाती है। तो ये है इनका नया कलर। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे ये है एक नया स्टिकर, जो कि मैं आपको वाइड एंगल करके दिखाना चाहूँगा। ये है नया स्टिकर, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे हीरो 3D से लिखा हुआ है, और यहाँ पर ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन मिलता है, नया स्टिकर है इसमें। जो पहले आपने देखा होगा इनकी नई स्प्लेंडर प्लस आई थी 97 में 96 में, जिसमें ये नाइकी सा जो स्टिकर था ब्लैक ब्लू का, वही कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है। यहाँ पर इन्होंने 3 स्टिकर दिए हैं, यहाँ पर रेड ब्लू ब्लू, और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 स्टिकर मिलते हैं, इसमें रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन मिलता है। हीरो इस मतलब सुपर स्प्लेंडर इसमें आपको 3D से लिखा हुआ मिलेगा, बाकी I3S और प्रोग्रामेड FI सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो मैं इसको आपको एक बार सभी बाइकों को वाइड एंगल करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये है ब्लैक ब्लू रेड, और यहाँ पर ये ब्लैक ब्लू सिल्वर। और अब बारी आती है भाई जो मतलब पहले से आ रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको ब्लैक पर सिल्वर कलर के स्टिकर मिल जाते हैं, मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँगा। और आप यहाँ पर देखेंगे ये ब्लैक और सिल्वर कलर का स्टिकर है, जिसमें आप देखेंगे सिल्वर में ग्रे कलर आप कह सकते हैं, इसमें आपको इसके ग्रैब रेल मिल जाते हैं, ब्लैक इसमें आपको इसका सीट काउल मिल जाता है। और लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये सुपर स्प्लेंडर 3D से नहीं हुआ है, ये मतलब स्टिकर से लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये E20 पेट्रोल से भी चल सकती हैं। तो ये सबसे कम कीमत में मिलने वाली है, 96,000 समथिंग इसकी कुछ ऑन रोड प्राइस है इस नए मॉडल की, मतलब इस वाले मॉडल की। और बाकी अगर आप इनको लेंगे जो ये नए स्टिकर के साथ आई हैं, और मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इनमें वही सेम मीटर इसमें भी आपको मिलता है, डिजिटल और एनालॉग मीटर, तो अगर आप इसको खरीदेंगे तो लगभग 97,000, मतलब इसमें आपको 1,500 रुपये का अंतर दोनों बाइकों में मिल जाएगा। अब ये आपकी पसंद है कि आप कौन सा खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वैरायटी बिल्कुल एक कैटेगरी अलग है, ये एक्सटेक्ट है, और इसमें आपको 1,00,000
और 1 लाख के आसपास इनकी लगभग ऑन रोड प्राइस है। इनमें आपको मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा मिल जाएगी। मैं दिखा दूँ, एक्सटेक में आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलती है, और यहाँ पर इसमें अगर आप देखेंगे इस वाली में, तो यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलती है। और अब बारी आती है इनको फ्रंट से दिखाने की, जो कि मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D से हीरो, ये हीरो का लोगो 3D में सभी बाइकों में है, और ये रेड कलर है जो फ्रंट से दिख रहा है, ये ब्लैक कलर है, ग्लॉसी ब्लैक इसको बोला जाएगा, और ये ग्रे कलर की बाइक है। यहाँ पर ये ब्लैक ब्लू है जिसमें सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, ये ब्लैक ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वाइजर पर आपको रेड कलर का स्टिकर नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ये ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो अगर प्राइस की बात करें, तो अगर आप जैसे सुपर स्प्लेंडर लेते हैं स्टैंडर्ड मॉडल, चाहे वो ड्रम हो, तो लगभग 96 से 97 थाउजेंड तक मिल जाएंगी। और अगर आप लेते हैं एक्सटेक टेक्नोलॉजी के साथ, फुली डिजिटल मीटर के साथ, तो लगभग आपको मिलेंगी 1,500 या 1 लाख के आसपास मिल जाएंगी। आप अपने नज़दीकी डीलर पर संपर्क कर सकते हैं, और बाकी माइलेज लगभग आपको 50 से 60-65 के आसपास ही मिलेंगी। ये आपके चलाने के ऊपर है, इतने ही आपको माइलेज मिल पाएंगी। तो कौन से कलर की बाइक आप खरीदना पसंद करेंगे, यहाँ पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि पैसे आप लगा रहे हैं 1 लाख रुपये, तो आप अपनी पसंद की बाइक चुनें। मैंने आपको कलर दिखा दिए हैं, तो और एक कलर यहाँ पर रह गया है जो कि ऑल ब्लैक आता है, जिसमें कोई स्टिकर नहीं रहते हैं, वो आपने हमारे चैनल पर देखी होगी। और इन सभी बाइकों की पूरा डिटेल की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।